नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे लहसुन के पत्ते के चिले। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ एक पाव लहसुन के पत्ते लिए हैं। देखिए, इस प्रकार के लहसुन के पत्ते होते हैं। दो कप मोटे चावल, जिसे हमने रात भर भिगो के रखा था, इससे चिला अच्छा बनता है। आधा कटोरी हरा धनिया, 5 से 6 हरी मिर्चें, आधा चम्मच जीरा, नमक स्वादानुसार और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हमने यहाँ लहसुन के पत्तों को अच्छी तरह से धोकर काट लिया है। अब हम इसे पीस लेंगे। मैंने एक जार लिया है, उसमें लहसुन के पत्ते, धनिया, टूटी हुई हरी मिर्च और चावल डालकर, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब मैं इसे पीस लूँगी। हमें इसका चिकना पेस्ट तैयार करना है और ज़्यादा पतला नहीं करना है। देखिए, इस प्रकार से चाहिए। अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए, हमने पूरा पेस्ट तैयार कर लिया है। यदि पतला लगे तो आप इसमें चावल का आटा भी मिला सकते हैं। अब मैं इसमें नमक डालूंगी स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच जीरा डालकर अब हम इसे मिला लेंगे। देखिए, चीले का पेस्ट अच्छी तरह से मिल चुका है। अब चीला बनाने के लिए यह पेस्ट तैयार है। चीला बनाते समय तवे पे और चीले पे तेल लगाने के लिए चाहे तो आप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं या भट्टे को काट करके इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। और चीला फैलाने के लिए मैं यहाँ पत्तों के बीच में टूथपिक लगा करके इसका इस्तेमाल करूँगी। चाहे तो आप चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ तवा मीडियम आंच पर गर्म होने रख दिया है। देखिए, तवा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें तेल लगा लूँगी और अब इसमें चिले का बैटर डालूँगी। और इसे पत्ते की सहायता से हल्के हाथ से फैला लूँगी। देखिए, चीला बन चुका है। अब हम इसे ढककर 1 मिनट के लिए पकने देंगे। अब हम इसे 1 मिनट बाद खोलकर देखेंगे। देखिए, चीला बनकर तैयार है। अब हम इसमें तेल लगा देंगे और पलट कर इसे सेक लेंगे। देखिए, चीला कितनी अच्छी तरह से निकल रहा है। अब चीला बनकर तैयार है। अब हम इसे 1 प्लेट पे निकाल लेंगे। इसी प्रकार हम सभी चीले बना लेंगे। देखिए, चीले बनकर तैयार हैं। मैं अब तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए, चीले कितने पतले और अच्छे बने हैं। चाहे तो आप इसे चटनी के साथ खाइए या इसे आप सब्जी के साथ खाइए। यदि मेरी रेसिपी आप अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।